अकोला 24 न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मिले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। अकोला 24 न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से 5 किलो चावल का मुफ्त वाटप। बारसेटाकली तालुका में सरकार की ओर से राशन की दुकानों पर 5 किलो चावल का मुफ्त वाटप किया जा रहा है। बता दें कि बारसेटाकली तालुका की सभी राशन की दुकानों में महाराष्ट्र सरकार की ओर से एक्स्ट्रा धान्य वाटप किया जा रहा, ऐसा आह्वान माननीय तहसीलदार बारसेटाकली श्री गजानन हामन ने किया है। इस योजना का लाभ सभी बारसेटाकली तालुका के लाभार्थी उठाए, ऐसी घोषणा यहाँ के स्वस्थ धान्य दुकान के तालुका अध्यक्ष जाकिर हुसैन ने नागरिकों से हमारे चैनल के माध्यम से की है और बताया कि प्रति व्यक्ति को 5 किलो चावल महाराष्ट्र सरकार की ओर से फ्री है, जिसका कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। बारसेटाकली से इरफान अहमद शेख की रिपोर्ट। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इन्होंने किस तरतीब से सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए उसके लिए ये इस्तेमाल किया है। एक पाइप लगाकर उसमें दूर ही से एक डिस्टेंस बनाकर यहाँ पे दिया जा रहा है और इसी तरह से यहाँ पर हर एक को 1 मीटर की दूरी पर ये मार्किंग लगा के रखे है और इसी तरह से ये दिया जा रहा है। ये देख सकते हैं आप, और इस महीने का एक ही महीने का यहाँ पे वाटप आया है। इस तरह से यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया, उसके बाद में 2 महीने का वाटप आएगा और वो एक साथ दिया जाएगा। और इसी तरह हर कंट्रोल के अंदर में हर डीलर एक व्यक्ति को 5 किलो चावल जो फ्री है वो वाटप कर रहे हैं। इस तरह से हमने जैसा कि आपको उधर भी दिखाया है कि कितना डिस्टेंस का ख्याल रखा जा रहा है, तो आइए यहाँ पर भी इस दुकान पर हम आए हैं और सोशल डिस्टेंस का यहाँ पर भी ख्याल रखा जा रहा है और यहाँ पर वाटअप कर रहे हैं। इनके पास में अभी कितना साटा है और कौन कौन सा ये वाटअप कर रहे हैं। अकोला 24 न्यूज में आपका स्वागत है। और जैसे कि कोरोना वायरस को लेकर पूरे भारत में एक जनता कर्फ्यू लगा है, जिसमें स्वास्थ्य धान्य दुकान, मेडिकल, किराना दुकान, सब्जी की दुकानें ये सारी खुली है, लेकिन जो गवर्नमेंट के तरफ से फ्री स्कीम मिली है अनाज की, तो यहाँ पर हमारे बारसेटाकली शहर में स्वास्थ्य धान्य दुकानों के ऊपर में ये साटा उपलब्ध है। और यहाँ के जो डीलर है जाकिर हुसैन, इनसे हम जानना चाहेंगे कि वो इस योजना को कैसे कैसे यहाँ पर दे रहे हैं। तो बताइए सर, आप यहाँ पे जो ये योजना का लाभ जैसे इन लोगों को कैसे मिल रहा है? मैं MM हुसैन, तालुका अध्यक्ष, रास्ता वाला दुकानदार संगठन बारसेटाकली। आज तक जो है हमारा रेगुलर का वाटप 90% हो गया। इसके बाद हमारे जो पंतप्रधान ने जो है योजना दी है, तो कोरोना वायरस की वजह से इसका ये है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इसमें जो है तो प्राधान्य घट और अंत्योदय कार्ड को प्रति व्यक्ति 5 किलो चावल इसका वाटप हो रहा है और यह हर कंट्रोल में उपलब्ध है। मेरा कार्ड धारकों से यही निवेदन है कि भाई ये 30 तारीख तक धीरे धीरे अपने अपना माल लेकर जाए, ये मुफ्त माल है। और इसके जो है तो हमारी निगरानी में तहसीलदार साहब श्री हमन और आईओ पड़स पगार साहब, APS साहब श्री तांगड़े साहब, इनकी निगरानी में ये वाटप हो रहा है। और मेरा जनता से ये कहना है भाई तुम्हारे चैनल के माध्यम से कि भाई घड़ी घड़ी बिना वजह बाहर ना निकले और अपना फासला बनाए रखे दूर दूर। इसी तरह से जो ये वाटप किया जा रहा है, तो प्रति व्यक्ति को 5 किलो सिर्फ चावल दिए जा रहे हैं? चावल, जी जी। अच्छा, तो ये हर कंट्रोल में दिए जा रहे हैं? हर कंट्रोल में। अच्छा, हर कंट्रोल। तो ये आपने देखा कि इस तरह से गांव के सभी दुकानों में ये चावल का साटा उपलब्ध है, जिसमें प्रति व्यक्ति को 5 किलो चावल दिए जाएंगे और वो फ्री रहेगी। तो इसका लाभ सारे बारसेटाकली वासी उठाए। और इसी के साथ में हम ये बताना चाहते हैं कि ये योजना जो है तो किसानों के लिए नहीं है, क्षेत्रीय के लिए नहीं है, ये प्राधान्यगढ़ और BPL अंत्योदय इनके लिए है। कैमरामैन शेख असद के साथ इरफान अहमद शेख, अकोला 24 न्यूज़।